Namaste and welcome to Simple Education. So this particular video is specifically related to the importance of systems approach to education. तो systems approach का एक complete detailed video already बना हुआ है. This is the part of that video which is going to talk only about the importance of systems approach to education. Fine, so let us start. It is now come to specifically systems approach to education. So education अपने आप में एक complete system है. Please understand, any particular institution is a system only. So education is also a system which is following systems approach in its management. Fine. So let's see, education system is a sum total of all the interrelated, interdependent and interacting parts put together to achieve the pre-stated aims and objectives in a given environment. एजुकेशन सिस्टम भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में काम करता है. हर एक एजुकेशन सिस्टम में देर आर नंबर ऑफ पार्ट्स, एलिमेंट्स, देर आर नंबर ऑफ सब सिस्टम्स विच आर वर्किंग टुगेदर, इंटरकनेक्टिंग, इंटर रिलेटेड, और वो एक कंप्लीट वेब है जो एक साथ मिलके काम कर रहा है टू अचीव द गोल्स ऑफ द एनवायरनमेंट, दैट इज टू अचीव द गोल्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. नेक्स्ट इज एक एग्जाम्पल से समझते हैं. यूनिवर्सिटी इज कम्पोज ऑफ सब सिस्टम्स लाइक अफिलियेटेड इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, एचओडीज, प्रिंसिपल, वी कैन से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, देयर इज लाइब्रेरी, और बहुत सारे सब सिस्टम्स मिल के एक कम्प्लीट सुप्रा सिस्टम जो यूनिवर्सिटी है उसको बनाते हैं. So all these systems are somewhere completely interrelated, interdependent on each other, and they are constantly interacting for the smooth functioning of the institution. Proper process ho, jo bhi input aaya hai, uska proper effective process ho aur proper output bahar nikle to the society or to the environment. So this is what is education system all about. Finally, the system of education is dynamic and forward-looking. इसको एक example से समझते हैं. Recently we had NEP 2020. तो National Education Policy 2020 आया, so that to bring more effect, modifications and changes in the education system. This means कि education system हमेशा कुछ न कुछ नया करता रहता है. वो dynamic है, flexible है. To bring as per the societal needs the various changes and develop. So this is ki education system jo hai wo complete apne aap mein system hai. University ke example se humne samjha ki kis tarah se university ek supra system hai aur ye sare jo subsystems affiliated institutions, students, teachers, ye sara ek saath milke kaam kar rahe hai, and any particular एलिमेंट या सब सिस्टम अगर अफेक्ट होता है तो नेचुरली कंप्लीट सब सिस्टम, दूसरे सब सिस्टम्स एज वेल एज सुप्रा सिस्टम भी अफेक्ट होते हैं. एंड यस, एजुकेशन सिस्टम डायनामिक है एंड फॉरवर्ड लुकिंग है. फाइन, आई होप दिस इज ओके. लेट अस मूव अहेड. सो नाउ लेट अस सी सब सिस्टम्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बेसिकली चार सब सिस्टम्स होते हैं जो एक्चुअली एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक प्रॉपर पैटर्न ऑफ बिहेवियर बनाते हैं, विच इज ऑल फंक्शनिंग टुगेदर. सो लेट अस सी द मेन सब सिस्टम्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. वेरी फर्स्ट इज टेक्निकल सब सिस्टम. तो टेक्निकल सब सिस्टम में ऐसे नहीं कि खाली टेक्निकल चीजें जैसे कंप्यूटर या आईसीटी, वो तो आता ही है, साथ ही साथ इट इज एक्चुअली द वेरियस टास्क, एक्टिविटीज, द वेरियस टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज, स्किल्स, ऑल्सो द डिफरेंट मेथडोलॉजीज विच आर यूज इन द प्रोसेस. जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट आपने देखा, जो प्रोसेस जो चलता है, सो दैट इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग गोज इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रॉपर स्टूडेंट का इवेल्युएशन हो, तो ये सारी चीजें टेक्निकल सब सिस्टम के अंदर आती है. नेक्स्ट इज सोशल सब सिस्टम. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्सेज वर्क कर रहे हैं, टीचिंग, नॉन टीचिंग, सपोर्ट स्टाफ है, वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है, देयर इज ऑल्सो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, मैनेजमेंट. ये सारा सोशल सिस्टम की अपनी वैल्यूज है, मॉरल्स है, कॉमन वैल्यूज, यूनिफॉर्म यूनिवर्सल मॉरल्स है, उनके अपने बिहेवियर्स है विच आर एक्चुअली समवेयर इन्फ्लुएंसिंग विद each other in the working condition also it is somewhere influencing, और ये complete social interaction चलता रहता है
in this social subsystem as well as the complete supra educational institution. The third one is structural subsystem. Next is structural subsystem. Ab structural subsystem mein it's like kids it represent the complete formal organization structure. To ye proper structure bana hua hai ki this is the management trustee, फिर एच ओ डीज या प्रिंसिपल, फिर टीचर्स एंड ऑल दीज, अ प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है और उनका आपस में प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन. सो इट्स लाइक कंप्लीट फिजिकल सेटिंग इन विच द वर्क इज बिन डन. दिस इज वॉट इज स्ट्रक्चरल सब सिस्टम. एंड द लास्ट वन इज मैनेजरल सब सिस्टम. तो एज द नेम सजेस्ट, प्रॉपर मैनेजमेंट होता है. तो यहाँ पर मैनेजमेंट के सारे ऑब्जेक्टिव, सारी चीज़ें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क, ये सारी चीज़ें आ जाती है सो दैट द कम्प्लीट सिस्टम वर्क प्रॉपरली फॉर द बेटर आउटपुट. तो यहाँ पे फीडबैक सिस्टम भी होता है, करेक्टिव मेजर्स भी देखे जाते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स. सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट सब सिस्टम्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दैट इज टेक्निकल सब सिस्टम, सोशल सब सिस्टम, स्ट्रक्चरल सब सिस्टम एंड मैनेजरियल सब सिस्टम. फाइन, सो लेट अस गो अहेड. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हर एक सिस्टम में एक जो होता है एनवायरमेंट होता है. सो देयर इज ऑलवेज अ एनवायरमेंट जहाँ पे सिस्टम वर्क करता है. सो देयर इज इनपुट, इनपुट को प्रोसेसिंग किया जाता है, दैट इज प्रोसेस होता है एंड फाइनल आउटपुट निकलता है. एंड ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, दैट इज कॉल्ड एज फीडबैक. तो फीडबैक मैकेनिज्म भी हर एक सिस्टम में होता है. नाउ दिस इनपुट प्रोसेस आउटपुट जो कि फीडबैक भी होता है एंड एनवायरमेंट में काम करता है, वो ओवरऑल है स्टेप्स ऑफ अ सिस्टम. सो इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, ये स्टेप्स ऑफ अ सिस्टम है. स्टेप्स ऑफ अ सिस्टम का डिटेल वीडियो ऑलरेडी, एक कंप्लीट फुल डिटेल वीडियो बना रखा है. ऑल्सो स्टेप ऑफ द सिस्टम का एक सिंपल इंडिविजुअल, सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स ऑफ अ एजुकेशनल सिस्टम का अलग से वीडियो बनाया है. इफ़ यू विश यू कैन सी दैट. फाइन, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिस्टम्स अप्रोच इन एजुकेशन. सो नाउ लेट अस सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिस्टम्स अप्रोच टू एजुकेशन. तो एजुकेशन में सिस्टम्स अप्रोच का इम्पॉर्टेंस देखते हैं. द पॉइंट्स आर, वेरी फर्स्ट, इट हेल्प्स इन सिस्टमैटिक एजुकेशनल प्लानिंग एंड इन ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज मैनेजमेंट. तो सिस्टम अप्रोच क्या करता है, कंप्लीट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कि किस तरह से प्लान किया जाए, प्रॉपर डिसीजन कैसे लिया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए एंड कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ गई एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में, इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल में, तो उसको किस तरह से तो इमिडिएटली इफेक्टिवली रिजॉल्व किया जाए. सो देयरफॉर सिस्टम अप्रोच इज इम्पॉर्टेंट इन द एजुकेशन. नेक्स्ट इज असिस्ट टू अडेप्ट एज पर द एनवायरमेंटल चेंजेस. तो हमने देखा है कि सिस्टम्स अप्रोच में एनवायरमेंट इफेक्टिव रोल प्ले करता है. तो एजुकेशन में भी जब भी कोई एनवायरमेंटल चेंजेस है, पेरेंट्स की कुछ पर्टिकुलर डिमांड है, कोई सर्कुलर आ गया ऑल ऑफ अ सडन से, फॉर एग्जाम्पल दैट कुछ कंपल्सरी चीज करनी है, एक पर्टिकुलर से फॉर एग्जाम्पल स्वच्छता ड्राइव करनी है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैज़ टू बी रेडी एज पर द डिमांड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स और द बोर्ड्स ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. सो जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी, आईसीटी बेस्ड करिकुलम होना चाहिए. तो इंस्टीट्यूशन इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल एंड रेडी टू अडेप्ट. नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स यूनिफाइड फोकस टू इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स. सो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक कंप्लीट अपने आप में होल है, इट इज़ नॉट कि एक सिंगल पार्ट है. सो एज सीन अर्लियर कि एवरी थिंग इज इंटर रिलेटेड. तो सिस्टम्स अप्रोच ये हेल्प करता है एजुकेशन को टू मेक श्योर कि हर चीज़ एक कंप्लीट होल है एंड द होल इज ऑल वर्किंग टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन. Helps to identify the subsystems in education and their interaction with each other. तो system approach help करता है कि कितने subsystems work कर रहे हैं education institution में and how, whether they are effectively interacting, whether they are interrelated, ये सारा help करता है system approach. Helps to think for the alternative process for achieving the objectives of the education. So
डिसीजन मेकिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज क्रिएटिविटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग. दैट इज नथिंग बट फाइंडिंग आउट वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड फ्रॉम दोज अल्टरनेटिव्स चूजिंग द बेस्ट. तो सिस्टम्स अप्रोच इसमें भी हेल्प करता है एजुकेशन की. हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थ्रू द सिस्टमैटिक फीडबैक. सो एनवायरमेंट के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, दैट इज फीडबैक सिस्टम. तो सिस्टम अप्रोच में बिकॉज देयर इज अ फीडबैक सिस्टम, धीरे धीरे और एजुकेशन में और इम्प्रूवमेंट होता है, बिकॉज फीडबैक के हिसाब से मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, रीप्लानिंग की जाती है, सो दैट द थिंग्स आर प्रोसेस्ड मोर इफेक्टिवली और एक अच्छा आउटपुट निकले एज पर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज. सो विद द हेल्प ऑफ सिस्टम्स अप्रोच जितने भी रिसोर्सेज है जो हमने इनपुट के अंदर देखा, ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल, फाइनेंस एंड वेरियस अदर रिसोर्सेज, वो इफेक्टिवली यूटिलाइज होते हैं, उनका वेस्टेज नहीं होता है. हेल्प्स इन डिजाइनिंग, कंट्रोलिंग एंड इम्प्रूविंग करिकुलम और द प्रोग्राम. सो हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अपना एक करिकुलम और प्रोग्राम होता है. से फॉर एग्जाम्पल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग होती है, प्री सर्विस होती है. देर आर ऑल्सो वेरियस नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन या ओपन यूनिवर्सिटीज जो बी एड इंस्टीट्यूशन या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं. देर इज ऑल्सो एडल्ट एजुकेशन सिस्टम हमारे कंट्री में, NIOS करके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है और वो वर्क कर रही है वोकेशनल एजुकेशन के लिए, एज वेल एज जो भी ड्रॉपआउट्स हैं उन सभी को एजुकेशन देने के लिए. सो दिस इज हाउ कि इतने सारे डिफरेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं और हर एक प्रोग्राम में अगर सिस्टम्स अप्रोच है तो नेचुरली ये पूरे प्रोग्राम की प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंट्रोलिंग और मोर इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होगा उसके करिकुलम में, बिकॉज देयर इज अ सिस्टम्स अप्रोच विच इज वर्किंग एफिशिएंटली. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एग्जामिनेशन और असेसमेंट या फिर इवेल्युएशन सिस्टम. तो सिस्टम अप्रोच में हमने देखा कि प्रोसेस के अंदर इवेल्युएशन भी है, असेसमेंट भी है. तो प्रॉपर असेसमेंट यूजिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट, मेकिंग श्योर कि स्टूडेंट्स उसमें अपना इनपुट ज़्यादा दे, अच्छे से वो काम करे. सो एग्जामिनेशंस को टेंशन फ्री बनाने के लिए पीपल और द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, ओपन बुक एग्जामिनेशंस लेके आना. सो दिस इज हाउ सिस्टम अप्रोच हेल्प करता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में. इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग वेयर द सिस्टम्स एंड्स एंड द अदर सिस्टम ऑफ द एजुकेशन बिगिंस. तो सिस्टम अप्रोच में वी हैव वेरियस सब सिस्टम्स, तो ये बताता है कि कौन सा सब सिस्टम खत्म हो रहा है और नेक्स्ट बिगिन हो रहा है, विच वी हैव सीन जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वोकेशनल एजुकेशन की जो स्लाइड देखी थी, वी एक्चुअली गेट अ क्लैरिटी कि ये सिस्टम यहाँ तक है, उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम शुरू होता है. इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. तो सिस्टम्स अप्रोच की वजह से, बिकॉज ऑफ द फीडबैक, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ द वे द सिस्टम इज वर्किंग, इनपुट प्रोसेस आउटपुट का जो कंप्लीट सिस्टम है, तो उससे क्या होता है, क्वांटिटी तो बढ़ती है आउटपुट की, बट यस क्वालिटी, द परफॉर्मेंस इज मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. सो दीज आर द ओवरऑल इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम्स अप्रोच टू एजुकेशन, दैट इज हेल्प्स इन सिस्टमैटिक एजुकेशनल प्लानिंग एज वेल एज मेकिंग श्योर कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट प्रॉपरली डिसीजंस ले एज वेल एज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे. अडेप्टेबिलिटी है, एक कंप्लीट होल की तरह काम करता है. देर आर वेरियस सब सिस्टम्स विच आर इंटर रिलेटेड एंड यस अल्टरनेटिव थिंग्स थॉट्स हेल्प करता है लाने के लिए, सो दैट द इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव या गोल जो है वो अचीव कर सके. फीडबैक मैकेनिज्म है विच इज़ हेल्पफुल फॉर द इंस्टीट्यूशन टू ग्रो. कंप्लीट एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ all the human, financial as well as material resources, designing and controlling, improving curriculum program, different curriculum ke programs ko help karta hai ki properly design kare, plan kare aur implement effectively ho. Systems approach also helps in examination as well as assessment or evaluation system. Also it makes sure ki kaun sa system complete ho raha hai aur next system shuru ho raha hai, jaise ki tertiary कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद जो है नेक्स्ट हो सकता है, उसके आगे जो भी हायर लेवल एजुकेशन है या फिर वोकेशनल एजुकेशन है वो शुरू हो. देन इज ओवरऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी
towards 100%, towards the maximum, that is the टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ ध्यान रखता है सिस्टम्स अप्रोच, और इम्प्रूव करना चाहता है क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. फाइन, सो आई होप दिस इज क्लियर, इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम्स अप्रोच टू एजुकेशन. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कंटेंट. सो रिलेटेड टू दिस कंटेंट ऑफ द वीडियो, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है. अगर छोटा क्वेश्चन है 5 मार्क का, तो आपसे पूछ सकते हैं कि स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ सिस्टम्स अप्रोच इन एजुकेशन. अगर बड़ा क्वेश्चन है तो आपको ऐसे लिख के आ सकता है कि इट इज़ असेंशियल टू हैव सिस्टम्स अप्रोच इन एजुकेशन, जस्टिफाई विद रेफरेंस टू इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम्स अप्रोच इन एजुकेशन. सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड रिलेटेड टू दिस कंटेंट व्हिच वी हैव स्टडीड इन दिस वीडियो, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम्स अप्रोच टू एजुकेशन. सो लेट इज फाइंड अ थ्रस्ट फॉर द सिस्टमैटिक वर्किंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सिस्टम्स अप्रोच इज वेरी मच असेंशियल. ठीक है, तो ये पूरा वीडियो का एक पार्ट है एज सेड अर्लियर, जिसमें सिर्फ हमने इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम्स अप्रोच टू एजुकेशन पढ़ा. आपको अगर डिटेल वीडियो पढ़ना है तो देयर इज ऑल्सो द डिटेल वीडियो ऑन सिस्टम्स अप्रोच, प्लीज डू सी इट. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कंटेंट. सो थैंक यू एंड नमस्कार.